क्या कोई इंसान सपने में भी ये सोच सकता है कि उसकी ज़िंदगी में एक दिन ऐसा भी आएगा जब उसे अपनी भूख मिटाने के लिए अपनों को ही खाना पड़ेगा। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसी ही सच्ची कहानी के बारे में जानेंगे। अस्सलामुअलैकुम, हम बात कर रहे हैं मिस्र की, जिसे इजिप्ट के नाम से भी जाना जाता है। नील नदी के किनारे बसा यह देश बहुत ही खुशहाल हुआ करता था। यहाँ की ज़मीन इतनी जरखेज हुआ करती थी और इतने फसल पैदा होते थे कि यहाँ से दूसरे देशों का पेट भरा जा सकता था। लेकिन 597 हिजरी में मिस्र में ऐसा सूखा पड़ा जिससे इंसानी ज़िंदगी तबाह हो गई। पेड़ पौधे और जानवर सब खत्म होने लगे। लोगों के पास खाने को कुछ न रहा। हर एक दिन बड़ी तादाद में लोग मरने लगे। मौत की ऐसी गर्म बाजारी थी कि मुर्दों को कफन देना भी मुश्किल हो गया था। मलिकुल आदिल, जो उस वक्त मिस्र का सुल्तान था, उसने अपनी निजी दौलत से सिर्फ एक महीने में 220,000 मुर्दों को कफन दिया। हर एक गुजरता हुआ दिन मुश्किलों का पहाड़ लेकर के आ रहा था। जब भूख की शिद्दत हद से गुजर गई तो लोगों ने कुत्तों और मुर्दों को खाना शुरू कर दिया। जब इससे भी काम न चला और भूख परेशान करने लगी तो लोगों ने बड़ी तादाद में बच्चे भून भून करके खा लिए। हालात ऐसे हो गए कि बच्चों को मार कर खाने में लोगों को कोई बुराई नज़र नहीं आती थी, उन्हें ज़रा भी तकलीफ महसूस नहीं होती थी। जब खाने के लिए छोटे बच्चे नहीं रहे, जो कमज़ोर थे, लोग उनको भून भून करके खाने लगे। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल था। मौत हर दरवाजे पे मुंह खोले खड़ी थी। इंसान तो ख़त्म हो ही रहे थे, इंसानियत भी ख़त्म हो गई थी। बुराइयाँ इस कदर बढ़ गई थी कि इसी साल एक अजीम जलजला आया जिसने हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया। इस कहानी से हम सबको सबक लेने की ज़रूरत है। हालात चाहे जैसे भी हों, हमें बुराई का दामन नहीं थामना चाहिए। सब्र से काम लेना चाहिए और अल्लाह पे यकीन रखना चाहिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।